हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एमआई के बारे में। उसने अपना मतलब अभी फ़ोन लॉन्च तो नहीं हुआ है, सिर्फ लीक निकल के आई है। जो फ़ोन का नाम है वो है MI 5X। पिछले साल कंपनी ने लॉन्च किया था 5C। उससे पहले एमआई का 5 बाज़ार में मिल रहा था, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 820 प्रोसेसर मिलता था, जो उस टाइम का बहुत अच्छा मोबाइल था। अभी एमआई ने अपना एक मोबाइल, र्यूमर है बोले तो, अभी सिर्फ लीक्स निकल के आई हैं कि वो मोबाइल आने वाला है। तो चलिए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। मेरे घर से मैं आपको ये छोटा सा व्यू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये व्यू काफ़ी अच्छा है, आज का मानसून का मौसम है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। MI 5X में आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी डिस्प्ले है। मतलब फुल HD है, सिर्फ 720p की डिस्प्ले नहीं, 1080p की डिस्प्ले है। 401 PPI का उसका पिक्सल रेजोल्यूशन है, मतलब अच्छी डिस्प्ले है। और साथ ही में आपको इसमें मिलेंगे दो रियर कैमराज, जो कि है 12 मेगापिक्सल के दो कैमराज मिलेंगे पीछे, और सामने आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा। मतलब ये इस तरह की रेंज में ये अच्छा मोबाइल हो सकता है। मतलब रेंज तो क्या है, ये अभी चल ही रहे हैं ड्यूअल कैमराज और सेल्फी का ज़माना है, तो सभी को पसंद आता है बड़ा कैमरा जो सेल्फी लेने के लिए हो, तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छी बात है। इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 625, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो 2 GHz पे काम करता है, और कोर्टेक्स A53 बेस है, मतलब इसके कोर से A53 पर है कोर्टेक्स के। और इसमें आपको GPU मिलेगा एड्रीनो का 506, मतलब एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। मतलब इसकी बैटरी तो अच्छी चलने वाली है, अब बैटरी कितनी है वो तो अभी मालूम नहीं चल के आया, लेकिन इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो Type-C है, मतलब फास्ट चार्जिंग तो होगा ही, इतना पता चल सकता है। बाकी बैटरी के बारे में अभी कोई भी र्यूमर सामने नहीं आया है। और इसमें आपको एंड्रॉयड 7.1.1 का सपोर्ट भी मिलेगा, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का। और साथ ही में इसमें मिलेगा आपको 4 GB की रैम और 32 GB इनबिल्ट स्टोरेज। अभी तो ये वेरिएंट देखने को मिल रहा है, अगर आगे 6 GB वाला आए, 128 GB वाला, 64 GB वाला आए तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन अभी के लिए तो यही खबर आ रही है कि 4 GB की रैम और 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी मिलेगी आपको। और साथ ही में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, मतलब वो तो फाइनल है कि एमआई वाले देते ही हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बात है, और इसकी प्राइसिंग शायद 18 से 19 हज़ार के बीच में रहेगी, मतलब एक अच्छा मोबाइल है इस रेंज में। मतलब 18-19 हज़ार में एमआई का इतना फ्लैगशिप मोबाइल अच्छा है, स्नैपड्रैगन 625 के साथ में, अच्छी बात है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस रोज़ लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।